फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों, इंटरनेट तो हम सभी यूज करते हैं और आजकल के इंटरनेट के जमाने में चाहे किसी के पास एक पक्का एड्रेस हो या ना हो, एक ईमेल एड्रेस जरूर होता है। हम सभी ईमेल एड्रेस यूज करते हैं। हमारा ऑफिस में कुछ ईमेल एड्रेस अलग होता है, पर्सनल ईमेल एड्रेस अलग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर इंटरनेट यूजर के पास एक अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होता है जिसको कि वो कभी चेंज नहीं करना चाहता। और उस ईमेल एड्रेस में, उसके ईमेल्स में होता है हमारा पर्सनल डेटा। हम अपना एक ईमेल एड्रेस अपने आधार कार्ड के साथ, अपने बैंक्स के साथ लिंक करके रखते हैं, यानी कि उसमें हमारी काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो। गूगल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर भी है, जीमेल हम सभी यूज करते हैं, और गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन की वजह से ना कि सबसे बड़ा सर्च इंजन प्रोवाइडर है बल्कि इसका जो ईमेल है जीमेल वो भी सबसे ज्यादा यूज होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीमेल की सिक्योरिटी के बारे में, जो कि आपके लिए जानना है बहुत जरूरी है। अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो फिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट को और भी ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ये बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है कि आप उसकी सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही बरतें। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं जवाबी बाबा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी इंटरनेट यूज करता है उसके पास जरूर होता है एक ईमेल एड्रेस, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल ऑलमोस्ट सबके पास होता है एक ईमेल एड्रेस। अब कई लोग एक ईमेल एड्रेस, एक सिंगल ईमेल एड्रेस ऐसा बनाते हैं जिसको कि वो कभी चेंज नहीं करना चाहते और वो हर जगह यूज होता है। वो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ उसको लिंक करते हैं, आधार के साथ, हर जगह ईमेल आजकल चलता है। तो अब इस ईमेल में जाहिर सी बात है कि हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। अब इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर ये कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी के पास लीक हो जाए, किसी हैकर के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाए, तो किस किस तरीके से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, किस किस तरीके से हमको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हमारे बैंक इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे चुराए जा सकते हैं, हमारे पर्सनल डेटा को और भी किसी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यकीनन हम ये चाहेंगे कि ये हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक ना हो। अब अपने ईमेल एड्रेस को अब जरा सोचिए कि हम एक्सेस कैसे करते हैं। हमारे पास होता है एक यूजर आईडी और एक होता है पासवर्ड। सिर्फ ये एक लेयर होती है जिसकी वजह से हम अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं। आजकल ब्राउजर में पासवर्ड सेव करने की सुविधा है। आप क्रोम यूज करते होंगे, सबसे ज्यादा यूज करने वाला ब्राउजर है। उसमें एक ऑप्शन आता है, जब भी आप किसी भी नई वेबसाइट पे एक फर्स्ट टाइम पासवर्ड डालते हैं तो एक पॉपअप आता है, कहता है कि डू यू वॉन्ट टू सेव दिस पासवर्ड। हम में से मोस्टली यूजर बिना सोचे समझे उसको यस कर लेते हैं, ब्राउजर में वो डिटेल सेव हो जाती है। अब जब भी हम अपने जीमेल अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो हमको सिर्फ डालना होता है यूजर आईडी के बाद, और वो भी कई केसेस में कुकीज के जरिए ऑटो पॉपुलेटेड होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट करके अपने जीमेल अकाउंट तक पहुंच जाते हैं। अगर आप अपना एक फोन, अपना एक लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो ज्यादातर इसी तरीके से उस पर लॉग इन करते हैं, लेकिन अगर आप किसी पब्लिक डोमेन में कोई कंप्यूटर यूज करते हैं तो वहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। ये बहुत जरूरी है कि आप वहां पर ये पासवर्ड सेव करने वाले ऑप्शन को ना यूज करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आप आसानी से किसी दूसरे के पास लीक ना होने दें। लेकिन मैं सिर्फ इसी तक बात नहीं करना चाहता हूं। ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड का खेल है, ये तो होती है वन फैक्टर सिक्योरिटी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं टू फैक्टर सिक्योरिटी के बारे में, कि अगर ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, यूजर आईडी और पासवर्ड, ये ब्रेक हो भी गया तो जो सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है आपके अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर बनाने में। दोस्तों, आजकल के जमाने में ईमेल अकाउंट को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। ईमेल अकाउंट को हैक करने के लिए सिर्फ जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है उस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने की जरूरत होती है। और आजकल ये जो दुनिया भर के फिशिंग अटैक्स होते हैं, की लॉगिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके जरिए काफी आसानी से किसी भी ईमेल अकाउंट को हैक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल का ये खुद का मानना है कि ऐसे जो लाखों अटैक्स रोज होते हैं इसमें से 12 से 25% तक सक्सेसफुल होते हैं, यानी कि 12% मिनिमम सक्सेसफुली अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। ये 12% कन्वर्जन रेट काफी बड़ा नंबर है और काफी चिंता वाली बात भी है। दोस्तों, किसी ईमेल अकाउंट को हैक करने के लिए किसी का बहुत बड़ा प्रोफेशनल हैकर होना जरूरी नहीं है, बल्कि आज के जमाने में तो इंटरनेट पर 25,000 से ज्यादा आपको फ्री वेबसाइट्स ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपको बताती हैं, 2-3 दिन में दुनिया भर के तरीके बता देंगे कि किस तरीके से एक ईमेल आईडी का यूजर आईडी और पासवर्ड को कैप्चर किया जा सकता है। तो ऐसे माहौल में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम
पहली बात तो ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी है यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड, पासवर्ड स्पेशली, इसको इतना स्ट्रांग रखें, इसको इजी टू गेस ना रखें। कई लोग होते हैं जो मुश्किल पासवर्ड रखने के बजाय आसान पासवर्ड रखते हैं ताकि उसको वो खुद ना भूलें। वो पासवर्ड रखते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना स्पाउस का नाम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम, कुत्ते का नाम, इस तरीके के इजी टू गेस जब पासवर्ड रखते हैं तो उनका कॉम्प्रोमाइज होना आसान हो जाता है। पहली बात तो ये कि हमको एक टफ टू गेस पासवर्ड रखना चाहिए जिसको कोई दूसरा सोच भी ना पाए। अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज होना चाहिए। ये यूजर आईडी और जो पासवर्ड होता है ये होती है फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी। अब ये फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने कहा कि इसको तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये टूट जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ईमेल अकाउंट्स को सिक्योर करें एक सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी से भी। सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जिसको कि आम भाषा में हम 2FA यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी कहते हैं। हम में से बहुत सारे जीमेल यूजर्स, बहुत लोग जीमेल यूज करते हैं, जीमेल अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जीमेल प्रोवाइड करती है ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सर्विस। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस अवेलेबल है, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं है और इसकी वजह से वो इसका यूज भी नहीं करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। अभी मेरा अकाउंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड नहीं है, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके सामने उसको इनेबल करके कि उसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी ये यूजर आईडी पासवर्ड जो कि यूजर को पता होता है, पता होना चाहिए, ये तो आप आसानी से समझते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में एक एडिशनल पासवर्ड, एक पासकोड जो कि टेम्पररी होता है, ओनली रियल टाइम यूजर को प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि उसको भी ये चीज पहले से पता नहीं होती है। ये पासवर्ड उसको एडिशनली प्रोवाइड कराया जा सकता है SMS के जरिए, फोन नंबर उस पर्टिकुलर वेब सर्विस के साथ या जीमेल अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो, या फिर अगर आपका कोई दूसरा ईमेल एड्रेस है तो उसको आप लिंक कर सकते हैं उस पासवर्ड को पाने के लिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये कहता है कि टेम्पररी यूज के लिए, ओनली फॉर वन टाइम यूज एक पासवर्ड दिया जाए। OTP हम सभी यूज करते हैं जिसको कि वन टाइम पासवर्ड कहा जा सकता है। वन टाइम पासवर्ड यानी कि एक ही बार चलेगा। तो ये समझ लीजिए कि आप अपने जीमेल अकाउंट पर एक दूसरा ताला लगा रहे हैं, यानी कि जब भी आपको अपना जीमेल अकाउंट खोलना होगा तो जो पहली चाबी होगी वो तो होगी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, जो दूसरी चाबी होगी उससे सिर्फ एक बार यूज करके एक बार वो ताला खुलेगा, दूसरा ताला, सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, और इसके बाद वो चाबी बेकार हो जाएगी। फिर जब आप लॉग आउट करेंगे और दूसरी बार जब आपको जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करना होगा तो सेम यूजर आईडी और पासवर्ड आप अपना डालेंगे, लेकिन जो सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो कि दूसरा ताला है उसको खोलने के लिए आपको फिर से एक दूसरी चाबी मिलेगी, यानी कि हर बार ये चाबी बदलेगी, हर बार ये पासकोड बदलेगा। दोस्तों इस तरीके को यूज करने से आप अपने जीमेल अकाउंट को और सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाबी बार बार बदल रही है, पासवर्ड बार बार बदल रहा है, हर यूज के लिए, हर लॉगिन के लिए आपका जो पासकोड है वो बदल रहा है। इसलिए जो हैकर्स होते हैं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है ऐसे अकाउंट्स को हैक करना जहां पर 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है। अब आइए बात करते हैं कि इसको इनेबल किया कैसे जाता है। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने जीमेल अकाउंट की उस सेटिंग्स में जा सकते हैं जहां पर जाके आप अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और फिर ये स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मैं सीधा पहुंच गया हूं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के स्टार्टअप पेज पर। गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया और अब मैं अपने अकाउंट पर लॉगिन कर रहा हूं, जिससे कि लॉगिन करके मैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर पाऊँ। तो अभी सिंपल मैं लॉगिन करूँगा, पासवर्ड इसमें ऑलरेडी सेव्ड है। तो यहाँ पर लॉगिन करके ये मुझको दिखा रहा है कि अभी करंटली मैंने कौन कौन से फ़ोन्स, अभी करंटली दो फ़ोन मैंने इसमें लिंक कर रखे हैं, तो ये दोनों फ़ोन्स मुझको दिखा रहा है। मैं चाहूँ तो दोनों फ़ोन्स पे अपने प्रॉम्प्ट या पासवर्ड पा सकता हूँ, या फिर किसी एक फ़ोन को जिसको कि मैं चूज़ करूँ उस पर पा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पैरेलली अपने फ़ोन की स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ। तो मैं ट्राई नाउ पे क्लिक करूँगा और ये देखिए इंस्टेंटली मेरे फ़ोन पर दिखा रहा है कि मैं अपने अकाउंट में साइन इन करना चाहता हूँ, यस नो। तो यहाँ पर मैं यस करूँगा तो ये फ़ोन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं जो प्रॉम्प्ट है वो कैसे चाहता हूँ, फ़ोन कॉल पर या टेक्स्ट मैसेज पर। टेक्स्ट मैसेज ज़्यादा कन्वीनियंट है तो मैं टेक्स्ट मैसेज को यहाँ पर चूज़ करूँगा और सेंड पर क्लिक करूँगा। तो मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए मेरे फ़ोन पे एक
वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम कोड आएगा। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि ये आ गया है। अब इस कोड को मैं यूज करूंगा अपने टू फैक्टर वेरिफिकेशन को इनेबल करने के लिए। यहाँ पर मैं अपने फोन को ऑथराइज कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर ये मेरा फोन ऑथराइज हो गया है, मेरे सामने बटन है इस फीचर को टर्न ऑन करने का, तो मैं इस बटन को दबा के टर्न ऑन कर देता हूँ। और अब नेक्स्ट पेज पे आप ये इस पेज पे देख सकते हैं कि कौन कौन से फोन रजिस्टर्ड हैं। ये फीचर ऑन हो गया, जिसको मैं एक टॉगल ऑफ भी कर सकता हूँ, टॉगल ऑफ टॉगल ऑन कभी भी कर सकता हूँ। अभी मैं इस फीचर को ऑन रखूंगा। अब ये फीचर ऑन हो गया है मेरे जीमेल अकाउंट पर। अब दोस्तों मैं यहाँ पे फोन तो चूज कर ही सकता हूँ, फोन दूसरे फोन से ऐड कर सकता हूँ या फोन डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये फीचर काम किस तरीके से करता है। तो आइए दोबारा लॉग इन करता हूँ मैं अपने mushimovies@gmail.com पे। तो अभी ये इंस्टेंटली लॉग इन हो गया, इसने कोई पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी से लॉग्ड इन हूँ क्रोम ब्राउजर में। तो अब मैं इसमें करूंगा लॉग आउट और फिर ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस तरीके से काम करता है ये मुझको देखना चाहिए। तो अब मैं इस पर दोबारा लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ईमेल अकाउंट पे, जिस पे कि मैंने ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप किया। तो ये आप देख सकते हैं मेरे फोन पे पासवर्ड इसने मांगा, पहले यूजर आईडी मांगा, पासवर्ड मांगा, लेकिन फिर इसने सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी में ये आप देख सकते हैं मेरे फोन पे प्रॉम्प्ट मुझको भेजा है कि मैं साइन इन करना चाहता हूँ या नहीं। तो मैं यहाँ पे यस करूंगा और अपने फोन पर ऑथराइज करने के बाद ही मैं आप देख सकते हैं कि मैं अपने जीमेल अकाउंट में लॉग इन कर पाया हूँ, अपने जीमेल अकाउंट को एक्सेस कर पाया हूँ। यहाँ पर ये बात काफी अच्छी है कि मुझको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, तो हर बार पासवर्ड या वन टाइम पासकोड नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ पर ये बात काफी अच्छी है कि मुझको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, तो हर बार पासवर्ड या वन टाइम पासकोड नहीं भेजा जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो फिर लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं जवाबी बाबा चैनल पर इस तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूँ। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।